Hello and namaste everyone. Wish you all a very happy Independence Day. I know ye vlog next day aayega, but this is all about how the 15th August went. So जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. हम कहाँ कहाँ गए, कैसा हुआ, क्या हुआ, सब मज़ा आएगा, सब पता चलेगा. सो सुबह सुबह सबसे पहले उठ के ना 9 o'clock का टाइम दिया था फ्लैग होस्टिंग करने के लिए. सो जो सेरेमनी थी वो 9 बजे रखी गई थी एंड फ्लैग होस्टिंग ना किसके हाथ हुआ वो बहुत स्पेशल है, तो वो देखने के लिए वीडियो ज़रूर देखना. सो मैंने रात में सोचा था मैं उठ के जल्दी बहुत अच्छे से जाके मैं रेडी वेडी होके जाऊंगी नीचे, बट ना मुझे उठने में लेट हो गया था. उसके बाद ना मैं बहुत ढूंढती रही पर मेरी एक ड्रेस थी वो मैंने ऊपर अलमारी रख दी थी, तो वो मुझे मिल भी नहीं रही थी. एनी मैंने जैसे तैसे एक वाइट टॉप थी वो पहन के फिर रेडी होके फिर मैं नीचे गई. सो नीचे मैं 9 बजे पहुँच गई थी उठ के, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे सोसाइटी में सेलिब्रेशंस की तैयारी हुई है. मैं जब नीचे गई तो इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, धीरे धीरे आ रहे थे, तो सारे ऐसे फ्लैग्स वगैरह पूरे लगा के रखा था स्टार्टिंग से. सो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर वॉक कर लेते थे, तो फिर मैं यहीं पे ऐसे वॉक करने लगी. और ना हम लोग शाम को भी कहीं गए थे, तो वो भी सब आपको व्लॉग में देखने मिलेगा, तो व्लॉग एंड तक ज़रूर देखना. सो यहाँ पर मैं थोड़ी देर वॉक कर रही थी. एंड आप देख सकते हो, तो जब भी इंडिपेंडेंस डे आता है, रिपब्लिक डे आता है ना, स्कूल की बड़ी याद आती है यार, क्योंकि ना दैट थिंग्स बहुत अच्छा लगता था एक्चुअली. स्कूल में जाना, सुबह सुबह उठ के कल्चर फेस्ट देखना, तो अच्छा लगता था बहुत. सो यहाँ पे आप देख सकते हो सोसाइटी में यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग होने वाली है. गार्डन है ये एरिया, सो यहाँ पे सब अभी जमा हो रहा है धीरे धीरे करके. एंड ना सबसे ज़्यादा दिख रहे थे बच्चे, बिकॉज़ आई नो बच्चों को ही सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है. जैसे मैंने अभी बोला हम स्कूल्स वगैरह में भी इतने एक्साइटेड होते, तो यहाँ पे भी देखो सब बच्चे एकदम ना फुल एनर्जेटिक मूड में थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था देख के. एंड चेयर्स वगैरह उधर रखी हुई थी सब आने के लिए. सो धीरे धीरे करके सब आ गए और सब मस्त मस्त कायों में आए थे. सो बस थोड़ी देर बाद फ्लैग होस्टिंग होने ही वाली है, तो फ्लैग होस्टिंग किसके हाथों होगी वो देखना ज़रूर, आप अच्छा लगेगा. तो आप देख सकते हैं इधर सारे लोग धीरे धीरे करके जमा हो रहे हैं, और यहाँ बस सब प्रोग्राम स्टार्ट होने ही वाला है. सो बहुत सारी चीज़ें गुजराती में थी जो मुझे भी समझ नहीं आती, तो आप ज़रूर सुनिए और ये तो समझ आ रही है मुझे बताना. मेरी विनती है, आया कोई बोल नहीं रहा है, सुबह बामिरा पी के नहीं आए हैं, आ भी रहे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे. वैसे भाई बहन है कि जो इस सौनक को बहुत अच्छे से साफ रखते हैं, साफ सफाई की वजह से हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर रह सकते हैं. तो एक बार हमारे सभी सफाई कर्मी जो है उनके लिए एक बार ताली बज सकती है, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये पूरा साफ रहता है. उनसे शिवा भाई से और भला भाई से कि वो भी ऊपर आ जाए. सो सारे कमेटी मेंबर्स और हमारे साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है. आई वुड रिक्वेस्ट मनु भाई मेहरिया साथ एंड दोनों ही हमारे साथ हैं, तो इनके लिए एक बार बहुत अच्छी ताली बज सकती है, क्योंकि हम शायद ऑफिस में बैठ करके काम करते हैं, लेकिन उन्होंने देश की सेवा के लिए अपने 30 साल दिए हुए हैं. आज राष्ट्र का गान इनके द्वारा होगा, हम ऑडियो प्ले नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही हमारे सौनक के कुछ बच्चे कैसियों के ऊपर उसका साथ देंगे, तो इन बच्चों के लिए एक बार ताली बज सकती है. ये बच्चे कैसियों लेकर रेडी है, अगर सारे जो रिस्पेक्टेड कमेटी मेंबर्स हैं अगर आप कहें तो हम फ्लैग होस्टिंग की सभी से विनती है सावधान की पोजिशन में खड़े हैं, सावधान की पोजिशन में खड़े हैं. जब तक राष्ट्रगान चलेगा हम सभी इस फ्लैग को सैल्यूट करके खड़े रहेंगे. ये पूरा आदर भाव नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात सो कुछ इस तरीके से सोसाइटी में फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी हुई. एंड ये सर थे जो इन्होंने बहुत अच्छे से एक गुजराती सॉन्ग गाया. मारू वतन मारू वतन मने मारू वतन
वाला वतन नी बेड़ियो तोड़वा, वाला वतन नी बेड़ियो। उसके बाद बच्चों ने यहाँ पे बहुत खूब डांस किया। ये म्यूज़िक मैंने म्यूट कर दिया बिकॉज ऑफ कॉपीराइट कंटेंट, तो बच्चों ने मस्त एंजॉय किया। एंड सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना उनके पेरेंट्स को, आप देख सकते कितना एनकरेज कर रहे थे उनको सारे पेरेंट्स, एकदम बहुत अच्छा लग रहा था देख के। सारे पेरेंट्स जा रहे थे, उनके बच्चे सारे डांस कर रहे, तो ये सब उनका छोटा सा प्रोग्राम हुआ। बस ऐसा था सोसाइटी का सेलिब्रेशन। सो इसके बाद मैंने क्या किया वो मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छा सा था आज का दिन। सामने से इस बार मुझे फर्स्ट टाइम छुट्टी मिली है 15 अगस्त को, वरना हम 15 अगस्त को मोस्टली वर्किंग होता था एंड उसके बाद फिर हम कॉम्प ऑफ अवेल करते थे। सो कुछ ऐसा था सेलिब्रेशन। उसके बाद मैं घर आ गई, घर करीब मैं 10 बजे तक आ गई थी, तो 1 आवर तक के ये प्रोग्राम्स वगैरह सारे चले। उसके बाद मैं घर आ गई और फिर नाश्ते की तैयारी करने लगी मैं, तो मैं पोहा बना रही हूँ। पोहा बनाने के लिए मैं यहाँ पे सारे चीज़ें कटिंग कर रही हूँ और पोहे के साथ फिर बनेगा चाय, तो मैं सुबह सुबह चाय पोहा बनेगा। मुझे ना ऐसा वो रिमाइंड हो रहा था कि जब भी 15 अगस्त 26 जाना होता था ना, तो घर पर जब पापा होते थे तो हमारे घर हमेशा सुबह सबका ऑफ होता था, ऑब्वियसली स्कूल थे, पापा की गवर्नमेंट जॉब थी, तो पापा आते टाइम हमेशा हमारे इधर जो समोसा कचौड़ी ही वहाँ पे इतना ज़्यादा फेमस होता है, तो लोग आते टाइम हमेशा हमारे घर उस दिन बहुत सारे स्नैक्स आते थे, कचौड़ी समोसा नमकीन ये वो, सो वो सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो यहाँ मेरा पोहा भी बन के रेडी हो गया है मस्त, और उसके बाद फिर मस्त कड़क सी चाय बनाई मैंने। चाय के बिना तो मेरी सुबह ही नहीं होती है। सो ब्रेकफास्ट किया उसके बाद हमने, और फिर यहाँ पे अमेज़ोन के कुछ जो 2-3 पार्सल कलेक्ट हो गए थे, इनमें बड़ी काम की चीज़ थी, तो इसका मैंने अलग से एक हॉल बनाया है, छोटू सा मिनी हॉल टाइप का आप कह सकते हैं। तो यहाँ मैं रेडी हो गई थी क्योंकि आज मुझे लकली छुट्टी मिल गई थी, तो मुझे वो टाइम मिल गया था कि मैं वो वीडियो शूट कर लूँ करके, तो यहाँ मैं शूटिंग की तैयारी कर रही हूँ, अपना प्रिपेयर कर रही हूँ, बिकॉज़ इसको शूट करने भी टाइम लगता है काफ़ी, फिर मिलता नहीं, तो आज लकली छुट्टी मिल गई, तो मैंने सोचा ये शूटिंग आज ही निपटा देते हैं, तो ये वीडियो मैंने शूट कर लिया। इस वीडियो के बाद, एक दो वीडियो के बाद हॉल आ जाएगा, तो आप ज़रूर देखना और मुझे बताना आपको प्रोडक्ट्स कैसे लगे। वीडियो कम से कम मैंने 2-3 घंटे लग गए शूट करने। उसके बाद फिर मैं, मेरा ना एक्चुअली मैं जब लंच प्रिपेयर करने गई तो अनलकीली सिलेंडर ख़त्म हो गया था, और आज थे 15 अगस्त, तो सिलेंडर वाले भी नहीं है, बोले कल आएंगे। तो फिर सामने मेरी नेबर भाभी, उनका हेल्प लेके फिर मैंने थोड़ा सा खाना प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद आश्री भी ऑफिस चले गए, मैं भी खाना खा के सो गई थी। उसके बाद उनके ही साथ हमारा प्लान बन गया कि शाम को कहीं घूमने जाते हैं, तो मैं उठी करीब 5:30 बजे 6:30 बजे, और फिर हम लोग रेडी, मैं ऐसे ही रेडी हो रही थी। और ये ना यूजली हो गया, जब कुछ जो ड्रेस चाहिए होती है ना, वो ड्रेस मुझे कभी नहीं मिलती है, पता नहीं कहाँ रखी रहती है अंदर। तो फिर जैसे तैसे मुझे ये वाइट टी शर्ट मिली, तो मैंने टी शर्ट पहनी, सिंपल से तैयार हो गई और फिर हम निकल गए। तो हम बस जा रहे थे, ऐसे उनके बच्चे भी थे, तो हम लोग सबसे साथ में घूम के आते हैं, आज हर जगह थोड़ा अच्छा माहौल होगा। सो हम लोग निकल गए घूमने के लिए, और हम जा रहे थे, हमने सोचा पहले क्योंकि प्लान रात थोड़ा लेट प्रिपेयर हुआ, तो फिर हमने सोचा था पास में जाके आते, तो यहाँ से फिर हम गए थे ओशिया हाइपोमार्ट, वहाँ पे हमने सोचा थोड़ा सा घूम लेंगे, शॉपिंग वॉपिंग कुछ करनी होगी तो वो कर लेंगे। और मेरा तो शॉपिंग का कुछ ऐसा कुछ था नहीं एज सच, बिकॉज आशीष और मैं हर वीकेंड कहीं ना कहीं जाते ही रहते हैं, और हमारा ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ लेते ही रहते हैं, तो ऐसा शॉपिंग का अलग से जाने वाला तो होता नहीं है मेरा, हम कभी भी जब भी जाते हैं कुछ ना कुछ आ ही जाते हैं। सो हम निकल गए, और आज सब जगह अच्छी खासी भीड़ थी, जो भी स्टोर्स दिख रहे थे ना, ऑब्वियसली आज ऑफर्स होता है, डिस्काउंट्स होता है, तो आज सब जगह अच्छी खासी भीड़ होती है। सो हम पहुंच गए हैं ओशिया हाइपर मार्ट, एंड इन भाभी के बच्चे भी आए थे, तो फर्स्ट टाइम मैं ऐसे गई थी एंड अच्छी खासी भीड़ थी आज सब जगह, बहुत सारे ऑफर्स भी चल रहे थे, एंड इन बच्चों ने ना भाई आते साथ ही विद इन 1/2 आवर 2 ट्रॉली भर दी थी कपड़ों की, इतने सारे, इन्हें इतना मज़ा आ रहा था, शायद सारे कपड़े लेके आ रहे थे, जो जो अच्छा लग रहा था लेते जा रहे थे एंड ट्रॉली में रखते जा रहे थे, अब उसके बाद वो उनको ट्राई करेंगे, तो ऐसा कर करके इन्होंने एक्साइटमेंट में इतनी पूरी ट्रॉली भर दी।
और फिर भी इनकी शॉपिंग ख़त्म नहीं हो रही थी, तो बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा मस्त। सो मैंने सोचा कि मुझे कपड़े तो वहाँ कुछ ज़्यादा समझ नहीं आते, तो फिर मैंने सोचा चलो मेरा मोस्टली किचन और होम डेकोर की तरफ ज़्यादा पूर्व ध्यान रहता है, तो मैं इधर आ गई थोड़ा सा देखने के लिए। एंड इतने सही सही यहाँ पे ना सिरेमिक के पॉट्स थे, पर मैं सच बताऊँ मेरे घर पे अब जगह नहीं बची है, मैंने इतना भर डाला है, तो मैंने लिया नहीं वैसे कुछ भी, पर बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस थे। उसके बाद ऐसे ही कुछ होम डेकोर्स की चीज़ें मैं देख रही थी, और उसके बाद मुझे ना यहाँ पे ये वुडन वाले ट्रेज मिले, तो मेरा काफ़ी दिन से बड़ा मन था वुडन ट्रे लेने का, बट मेरे घर अभी ऑलरेडी 2-3 ट्रे रखे हुए हैं, तो फिर मैंने नहीं लिया। सो देखिए 9:30 बज गए हैं, तो कितनी देर हो गई, फिर हम शॉपिंग वॉपिंग करते हैं आराम से, हमारे 2.5 घंटे हो गए थे, तो फिर थक भी गए थे बहुत, बिकॉज ऑब्वियसली घूमते घूमते तो हो ही जाती है हालत बैंड। तो फिर हम वहीं पे फूड कोर्ट था, वहाँ से कुछ खाया पिया, मैंने पैक भी करवा लिया बिकॉज आज सिलेंडर का इशू था। तो सो ऐसा था आज का ब्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आई विल सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।